अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो मम्मी बहुत खुश है मेरे से मिलके। फिर वो बहुत अच्छे, उसको समझ के लेना बस। माँ के हाथ का खाना इतना इतना प्यारा है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बनाते हैं मम्मी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने घर पर आया हूँ और मम्मी भी है, पापा भी है, सब साथ में हम लोग। पापा तो वीडियो से छुप ही जाते हैं हमेशा। देख रहे हो ईजान दादी के साथ खेल रहा है और मेरा भाई मुंह पोंछ रहा है। तो खाना खा के जाऊंगा यहाँ से और बहुत खुश है मेरी मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब भी घर पे आता हूँ तो मम्मी खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, पप्पा को मिला हो क्या? पप्पा अंदर ही भाग गया। यहाँ तरी इकड़े ये देखो मेरे पिताजी है। हाय तर करा तो ईजान अपनी दादी के साथ देखो मस्ती कर रहा है और दादाजी खड़े हैं देख रहे हैं कहीं। ये देखो ईजान की माँ बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। तो मम्मी इतने खुश क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो मम्मी बहुत खुश है मेरे से मिलके। और जिनको भी ऐसा लगता है मेरे माँ बाप नाराज है मेरे से, तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए अपने दिमाग से। बहुत खुश है ना? अबू को एक बार देख लीजिए आप। मी माझ्या घरी पप्पा बोलतो आणि जेवढे पण लोक हां मला बघताय सपोर्ट करताय खूप खूप धन्यवाद, आभारी आहे तुमचा भाई, आणि असंच सपोर्ट करत राहा आम्हाला। बड़े से बड़े फाइव स्टार होटल भी फेल है मम्मी के सामने। देखो खाना कितना अच्छा है, बहुत अच्छा खाना बनता है भाई हमारे घर पे। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। मेरी माँ जो बिरयानी बनाती है ना, किसी भी फाइव स्टार होटल में चाहे कोई भी होटल हो नहीं मिलेगा आपको, एक नंबर बिरयानी बनाती है मम्मी, समझ रहे हो। मैं दिन में चार चार टाइम खाता था जब घर पे रहता था ना, तो चार चार टाइम बिरयानी खाता था, पेट भरता ही नहीं, मन भरता ही नहीं। मेरी माँ के हाथ का खाना इतना इतना प्यारा है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बनाते हैं मम्मी। तो देख सकते हो कैसे कुकिंग कर रहे हैं। खूब पसंद है बिरयानी, बहुत पसंद है। त्या दिवशी मच्छी बनवले ले, मच्छी खाऊन गेले दोघे। सुनाला पण खूप पसंद आहे तिचा, माझ्या आजचा तुझी मम्मी कसं बनवतात तो टेस्ट होते, हाताला चव आहे ना म्हणून खूप छान। हां खूप छान आहे, मनातून बनवलेलं जेवण चांगलं असतं, बनवलेलं चांगलं वाटतं। मला सकाळीच बोललो फोन करून, बिर्याणी बनवणार आहे ये तुझं फेवरेट, आणि लेकराला मी बघायचं पोराला ना तुला म्हणून ते आले, मग त्याच्या हिशोबाने मी त्याला बनवून जेवू घालून पाठवणार। लोक बिर्याणी पसंद आहे मेरे लडके को और भाऊ को भी, भाऊ भी पसंद करके खाती है। बहुत वो दिन पुरणपोळी बनाई थी तो खाई, देख कितना अच्छा बनाते, अब ऐसे बना बना के खिलाओगे, जो हो गया अभी क्या करेंगे, पोता आ गया सब भूल गया हम लोग, अच्छा से। मैं मेरे घर में ना बहुत ज्यादा मतलब मैं लाडला हूँ, मेरे पप्पा का भी और मम्मी का भी दोनों का। इतने दिन में मेरा बेटे लंबा हो गया मेरे से, इसलिए ज्यादा दुखी था। अभी पोते का मुंह देख लिया सब भूल गए, सब भूल गए, बस सब हो गया। अभी जितने दिन जीना है उतने दिन मिलजुल के अच्छे से रहेंगे बस। वह भी बहुत अच्छी है मेरी, मैं कभी कुछ नहीं बोली उसको भी, सब समझती हो, समझ के लिए मेरे बेटे को और कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत अच्छी है, उसको समझ के लेना बस। हम लोग को वो नहीं ये समझ गया, लेकिन वो उसने पूरा के लिए कर लिया, उसको खुश रखिए ना बस, हो गया। हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, बहुत संभाल के लेती है मुझे। आपकी भाभी आपकी बहन बहुत सपोर्ट करती है, बहुत परेशानी से गुजरी है, बहुत अच्छे से उठी। हम लोग ने सपोर्ट नहीं किया लेकिन उसने बहुत सपोर्ट किया, वही हम लोग को अभी बहुत खुशी है। अच्छा हो गया, भगवान ने सब अच्छा किया ऊपर वाले ने। तो एग्जाम में हम लोग तो पास हो ही गए, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, और मेरी मम्मी को कोई एतराज नहीं इस बात से, ठीक है। मेरे को कितना दिन जीना है बस,
इतना अच्छे से उसकी भी शादी हो, बस इसकी हो गई उसकी हो गई, पर मिलजुल के रह गया। मुझे तो मतलब मैं तो घर पे हूँ तो इतना खुश हूँ, और मुझे पता है मेरे जो सपोर्टर है जितने भी मेरे चाहने वाले बहुत खुश होते हैं मेरी मम्मी से देख, मम्मी से बात करके बहुत खुश होते हैं, अच्छा लगता है। घर पे आता हूँ ना तो मन भी नहीं करता कि यहाँ से जाऊँ, अच्छा लगता है यही रह जाऊँ। और मेरे पापा मेरे अब्बू मुझे हमेशा सपोर्ट करते ही है, मतलब ऐसा है कि मतलब जैसा बोलो चोरी छुपे बोलो कुछ भी हो घर में कैसे भी कितना भी झगड़ा होता है ना, लेकिन एक बात है पापा किसी भी तरह चोरी छुपे सपोर्ट करते ही हैं जी। तो ये मेरे अब्बू का प्यार है, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। और अभी तो बिल्कुल मतलब हालात बदल गए घर के, क्योंकि सब सब साथ में हम लोग। देखो वीडियो के डर से पापा तो भाग ही गए, बाहर खड़े हैं और देखो क्या कर रहे हैं पापा। ये देखो मैं घर ही पापा बोल तो जो सब लोग है हिंदी में सुनते हैं तो उन लोगों को नहीं समझ में आता है, तो अब्बू बोलेंगे है ना। देखो मेरे पापा क्या कर रहे हैं, इजान को खिला रहे। यहाँ पे घर पे उसका नाम सोनू है, इसको सोनू बोलते हैं मम्मी, मतलब इनकी दादी सोनू बोलते हैं इनको। हाथ देखो चलो आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है, और सपोर्ट बनाए रखिएगा आप लोग, इसी तरह प्यार देते रहिए। चलिए मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।